हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का वीडियो बहुत ही खास वीडियो, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने हेल्थ गुरुजी चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सोयाबीन खाने से होते हैं 3 फायदे, जानकर हैरान रह जाएंगे आप। तो वह कौन से 3 फायदे हैं, चलिए जानते हैं। सोयाबीन एक तरह का दलहन है जिसका उपयोग खाने और तेल निकालने के लिए किया जाता है। यह पोषक तत्वों का खजाना है जिसके सेवन से शरीर स्वस्थ रहता है। शाकाहारी लोगों को इसका सेवन जरूर करने की सलाह दी जाती है क्योंकि इसमें मांस जितने पोषक तत्व मौजूद होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सोयाबीन में इतने सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो किसी मीट या मांस में, मछली या चिकन में होते हैं। तो आपको नॉन वेजिटेरियन खाने की जरूरत नहीं है, आप सोयाबीन खा सकते हैं, आपकी सारे पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। तो सोयाबीन में प्रोटीन और आइसोफ्लेवोन्स पाए जाते हैं जो हड्डियों को कमजोर होने से रोकते हैं, जिससे जल्दी फ्रैक्चर होने का खतरा नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम सोयाबीन खाने के फायदे की जानकारी आपको मैं दूंगा। शाकाहारी भोजन में सोयाबीन ही एक ऐसा भोजन है जिसमें अमीनो एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो केवल मांसाहारी भोजन में होता है। इसके सेवन से मसल्स का तेजी से विकास होता है और सोयाबीन डायबिटीज और हार्ट डिजीज की रोकथाम करने में भी मदद करता है। इसमें मौजूद अनसैचुरेटेड फैट्स बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करते हैं, इससे हार्ट संबंधी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। अब है ब्लड प्रेशर की समस्या होने पर सोयाबीन का सेवन फायदेमंद होता है। खासतौर से ब्लड प्रेशर बढ़ने की स्थिति में इसका सेवन ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर उसे बढ़ने से रोकता है। अब विभिन्न भिन्न प्रकार के सोयाबीन आते हैं मार्केट में। दो तरह के सोयाबीन आते हैं, एक होती है सोयाबीन की बरी जिसका हम सब्जी बनाते हैं, एक होती है सोयाबीन जिसे हम पानी में रख के उसको उबालते हैं और उसमें से कुलंगियां निकलती है, वो फूल जाती है, तब उसे हम खाली पेट सुबह उसका सेवन करते हैं। तो अलग अलग वर्गों के लोग सोयाबीन का सेवन अपने अपने तरीके से करते हैं। जैसे कुछ लोग सोयाबीन का दूध का उपयोग करते हैं तो कुछ लोग सोयाबीन के पनीर की सब्जी बनाकर खाते हैं या सोयाबीन के पनीर को रूखा ही खाते हैं। अभी इस प्रकार की सभी जगह पर सोयाबीन के तेल का उपयोग भी काफी मात्रा में होने लगा है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जाके कमेंट कीजिए कि कौन कौन सोयाबीन खाता है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टम्बलर आदि सोशल मीडिया वेबसाइट पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आके आपके दोस्त एंड फ्रेंड्स के और रिलेटिव्स के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो भी एक जानकारी का फायदा उठा सके। तब तक के लिए मैं चलता हूँ नई वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।